नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चिल्ली कॉर्न बनाएंगे। देखिए, एक कटोरी देखिए हम कॉर्न लिए हैं, इसे हम पहले उबालेंगे। देखिए, एक कटोरा में हम पानी लिए हैं, पानी गर्म हो गया है, उबाल आ गया है। उसमें हम देखिए कॉर्न को डाल देंगे। ऐसे हम लो मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढक्कन ढककर हम पकाएंगे। देखिए, ढक्कन हटाकर देखिए हम चेक कर ले रहे हैं, कॉर्न का उबलते हुए 5 मिनट हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम छान लेंगे। इसे हम छान लिए हैं, इसका पानी पूरा हम निकलने देंगे। देखिए, हम इसे छान लिए हैं और इसका पानी को आप कॉटन कपड़ा से पोंछ दीजिएगा। देखिए, पूरा पानी निकल गया है। देखिए, 1/4 चम्मच मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और 1/2 चम्मच नमक और 2 चम्मच मैदा और 1/1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं और हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। देखिए, कॉर्न चिल्ली बनाने के लिए देखिए एक छोटा शिमला मिर्च लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, सभी को हम महीन महीन काट लिए हैं, 6-7 कलियां लहसुन लिए हैं, इसे भी काट लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं, सभी को हम काट लिए हैं। कि कढ़ाही गरम हो गया है, इसमें हम 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम गरम होने देंगे। देखिए, तेल गरम हो गया है, अब हम कॉर्न को हम डाल दे रहे हैं। ऐसे हम लो मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, कॉर्न फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे और गैस के फ्लेम को अभी हम ऑफ कर देंगे। देखिए, सारे कॉर्न को हम निकाल लिए और हम गैस को ऑन कर दिए हैं। अब फिर से हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, 2 चम्मच। देखिए, तेल गरम हो गया है, हम पहले इसमें लहसुन को डालेंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन भून लेंगे। देखिए, लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसमें हम प्याज को डाल रहे हैं। वो ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ इसका कच्चापन को हटा। इसमें हम शिमला मिर्च को भी डाल रहे हैं और हरी मिर्च को भी डाल रहे हैं। ऐसे हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे। देखिए, प्याज और शिमला मिर्च भुंजा रहा है, इसमें देखिए स्वादानुसार नमक डालिएगा आप। देखिए, प्याज और शिमला मिर्च देखिए भुंजा गया है, क्रंची है, ज्यादा भी नहीं भुंजना है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच गोल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। और देखिए, चिल्ली सॉस, टोमेटो सॉस और सोया सॉस 1-1 चम्मच हम सभी को डाल दे रहे हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए, सभी सॉस को हम मिला दिए। अब उसमें हम देखिए कॉर्न को जो फ्राई करके रखे थे उसे भी हम डाल दे रहे हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे।
देखिए कॉर्न को अच्छी तरह से हम मिला दिए हैं। अब इसमें हम देखिए एक चम्मच ऑरिगेनो डाल रहे हैं, इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और देखिए हाफ इंच बटर डाल रहे हैं, देखिए दोस्तों चिल्ली कॉर्न बन के तैयार हो गया। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ, या ऐसे भी खा सकते हैं। दोस्तों आप भी मेरे बताए हुए तरीके से चिल्ली कॉर्न बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।